पुनः एक बार साक्षात्कार का मतलब शब्द के अर्थ के रूप अस्तित्व में वस्तु को पहचानते हैं। उसमें क्या पहचानना है? रूप के साथ गुण और गुण के साथ स्वभाव, स्वभाव के साथ धर्म को पहचानना इतनी ही बात है। यह पहचान होता है तो हम समझे नहीं तो काहे को समझे। उसके लिए अध्ययन विधि बताया। अध्ययन ने रूप गुण स्वभाव धर्म के बारे में चारों अवस्था में स्पष्ट कर दिया। रूप जो है आकार आयतन घन के रूप में सम विषम मध्यस्थ के रूप में कार्य करता हुआ गुण के रूप में, स्वभाव को पदार्थ अवस्था में अलग, प्राण अवस्था में अलग, जीव अवस्था में अलग, ज्ञान अवस्था में अलग बताया है। धर्म को भी ऐसे ही चारों अवस्थाओं में बताया है। यह ही साक्षात्कार होता है। यह कैसे आएगा? अध्ययन विधि से ही आएगा, दूसरा कोई विधि से आएगा नहीं। किसी भी विधि से और कोई विधि से यह चारों भाग को सम्मिलित रूप में एक वस्तु को पहचानने की विधि आता ही नहीं। इसका बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि है अध्ययन। अध्ययन से चारों अवस्थाओं का स्वरूप रूप गुण स्वभाव धर्म को स्पष्ट किया, वह अध्ययन है। यदि बिना किसी अध्ययन के होता होगा तो हमें बताने की क्या जरूरत? अध्ययन विधि से ही ये पूरा होता है। रूप के साथ इन सब बात को पूर्ण स्वीकारने वाला वाली बात आता है। इस स्थिति में हम अनुभव इस स्थिति में हम अनुभव कहते हैं। उसका अनुभव का क्या बात है? हम दूसरों को समझाने योग्य हो पाते हैं, दूसरों को बोध कराने योग्य होते हैं। इसको चेतना विकास कहा है। तो बाबा जी, मैं कोशिश कर रही हूँ और बाबा जी कह रहे हैं इसमें कि साक्षात्कार का मूलभूत है हम अस्तित्व में वस्तु को पहचाने। पहचानना का मतलब है उसको रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ पहचाने, और साथ में ये जो पहचान है इसको हम समझना कहते हैं। पहले भी बात हो चुकी है कि हम देखने को भी समझ कहते हैं। जो हमने ध्यान से देखा है उसी को समझ कहते हैं। तो जब हम ध्यान से पहचानते हैं और वो हमारी समझ में बैठ जाता है, हमारे जीने में आ जाता है, तो उसी को हम मेरे ख्याल से साक्षात्कार समझने तक ही है। उसके लिए अध्ययन विधि बताया है। तो उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया बताया है, ये अध्ययन विधि, और उसका बेस है हमें अध्ययन करना है। तो अध्ययन में रूप गुण स्वभाव धर्म के बारे में चारों अवस्था स्पष्ट कर दिए हैं। दो चीज स्पष्ट होना जरूरी है। साक्षात्कार होने के बाद बोध होने पर क्या चीज और समझ में आया जिससे इन दोनों में हम अंतर कर रहे हैं? फिर बोध होने के बाद और अनुभव होने में और क्या अधिक समझ में आया कि उसको अनुभव कह रहे हैं? उत्तर, साक्षात्कार में जो होता है वो बोध में पक्का हो गया, उसकी स्थिरता आ गई और कुछ नहीं हुआ। साक्षात्कार में चार भाग पहुंच गया है। रूप गुण स्वभाव धर्म, इसमें से रूप जो है चैतन्य रूप पहुंच गया साक्षात्कार में, साथ में चैतन्य का स्वभाव है धर्म। भौतिक रूप और गुण चित्रण में ही रुक गया, चित्त में। बोध में क्या पहुंचा? धर्म और स्वभाव पहुंचा। दूसरे विधि से नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य यह छह चीज पहुंचा साक्षात्कार में। नियम में जो अर्थ है पहुंच गया साक्षात्कार में। नियंत्रण में क्या चीज है
वो पहुंच गया। संतुलन में क्या चीज है, वो पहुंच गया। न्याय धर्म सत्य में क्या चीज है, वो पहुंच गया साक्षात्कार में। तो इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कोई, क्योंकि मैं बहुत सरल रखूंगी वो फिर ठीक नहीं रहेगा। हेलो, भैया दीदी कोई एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी दीदी, मैं प्रयत्न करती हूँ। यहाँ पे ये जिज्ञासा बताई है कि साक्षात्कार, बोध और अनुभव, इन तीनों में क्या अंतर है या क्या अलग होगा? तो यहाँ पे ये उत्तर दिया गया है। शालिनी दीदी, आपका माइक आप ऑफ। हाँ, थैंक यू दीदी। तो यहाँ पे ये जिज्ञासा बताई गई है कि साक्षात्कार, बोध और अनुभव में क्या अंतर होगा। तो साक्षात्कार का जो अंतर यहाँ पे बताया गया है, तो साक्षात्कार में जो बोध है, में साक्षात्कार में जो होता है वो बोध में पक्का हो गया, उसकी स्थिरता आ गई। यानी साक्षात्कार में अभी जो हम रूप, गुण, स्वभाव और धर्म के बारे में जितनी भी हमारे पास सूचना आएगी, उसको हम बार बार चेक करेंगे और अपनी कल्पना स्थिरता में स्थिर करेंगे। तो वहाँ पे साक्षात्कार में ये चीजें बार बार चेक होगी, जो बोध में पक्का हो जाएगी और वो स्थिर हो जाएगी। और उसमें से भी ऐसा बताया है कि रूप जो है, चैतन्य रूप, वो साक्षात्कार में आएगा, और जो भौतिक रूप और गुण है वो चित्त में रुक जाएगा, यानी चित्रण तक ही रहेगा। तो भौतिक जो हम दो प्रकार की इकाइयों की बात करते हैं, जड़ और चैतन्य, तो यहाँ पे वो भी डिफ्रेंशिएट करके बताया है। तो जो स्वभाव और धर्म है हर एक इकाई का, वो जो है वो साक्षात्कार में आएगा, और जो भौतिक रूप और गुण है वो चित्रण में ही रुक जाएगा, चित्त तक ही। और जो बोध है उसमें ये धर्म और स्वभाव जो है वो भी पहुंचेगा। और यहाँ पे जो छह चीज, यानी नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय धर्म सत्य की बात की है, वो साक्षात्कार में क्लियर होगी कि उसमें क्या समझ में आया या समझने की जो चीज है वो क्या है। तो ये साक्षात्कार में ही क्लियर होगा, इतना मुझे इस पैराग्राफ से ध्यान गया है मेरा। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। पहले भैया ने भी रखा, थैंक यू उनको भी। योगेश भैया कुछ और रखना चाहेंगे आप? नहीं दीदी, बढ़िया है, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे करती हूँ। रूप, गुण, स्वभाव, उसका नाम समग्र रूप में कहा, जब यह छह चीज पहुंचा चित्त में, उसमें से बोध में क्या होता है, धर्म और सत्य आता है, इसमें स्वभाव समाया रहता है, बाकी चार चीज यानी नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय रुक गया साक्षात्कार में, धर्म और सत्य दोनों पहुंचा बुद्धि में, सत्य कैसा पहुंचा, सर्वस्व रूप में सत्य पहुंचा, और धर्म मानव में सुख धर्मी के रूप में, जीवों में आशा के रूप में, प्राण अवस्था में पुष्टि धर्म के रूप में, पदार्थ अवस्था में अस्तित्व धर्म के रूप में, होने के रूप में पहुंचा। यह पहुंचने पर बुद्धि से मात्र सत्य पहुंचा अनुभव यानी आत्मा में, सत्य पहुंचने पर सहस्तित्व ही शेष रह गया आत्मा में, पुनः सहस्तित्व अनुभव बोध होता है, उस समय में क्या जुड़ गया, बुद्धि में जो शेष था स्वभाव धर्म वो जुड़ गया, सहस्तित्व चिंतन के रूप में चित्त में पहुंचा तो क्या जुड़ गया, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय जुड़ गया, धर्म सत्य के साथ यह छह चीज पहुंच गया। इतना ही तो अध्ययन का सार है, कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी छोड़ लो, पहले
जड़ क्लियर यानी स्पष्ट कर लो, फिर फल समझ में आता है। या फल यदि पहले पकड़ में आ गए तो जड़ समझने की आवश्यकता बनती है। जैसा अपन एक फल खाते हैं सेब का, झाड़ तो यहाँ नहीं है, जड़ भी नहीं है, इसका जड़ होगा ऐसा कल्पना में आता है। झाड़ का फल है या मिट्टी का बनाया गया फल है या कागज का बनाया गया फल है, यह समझ में आता है, यह पता लगता है कि नहीं। इन दोनों को अपन कृत्रिमता कहते हैं। यह तो कागज का यदि फल का स्वरूप बनाया हो उसे कृत्रिम कहते हैं। मिट्टी से फल का आकार बना के रंग लगा दिया तो उसे कृत्रिम फल कहते हैं। वास्तविक फल कौन सा है? जो झाड़ में पकता है। आज भी वास्तविकता को हम विश्वास करते हैं या कृत्रिमता को? यदि कृत्रिम फल से हम तृप्त हो सकते थे तो उसको भी सेब मान लेते। कृत्रिम फल से हमको तृप्ति होती नहीं, अभी तक तो हुई नहीं, कल यदि हो जाए तो बहुत अच्छा, स्वागत है। इस ढंग से हम अध्ययन पूर्वक कल्पना मात्र से तृप्त होंगे या वस्तु से तृप्त होंगे, यह सोच सकते हैं। बहुत सुंदर। तो दीदी आप रखेंगे? तो रूप गुण स्वभाव इन तीनों को मिला के उसका समग्र रूप कहा है। किसी भी एक इकाई को अगर हमें जानना है तो इन चारों का सम्मिलित रूप जो होगा वही समग्र रूप होगा। और जो ये सब छह चीजें हमने अभी देखी, नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म सत्य, वो जो है वो चित्त में पहुंचा। उसमें से बोध में सिर्फ धर्म और सत्य ही आएगा और इसमें स्वभाव जो है वो समाया ही रहता है। क्योंकि हमारे पास ये भी सूचना बार बार आती है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही रहता है। बाकी चार जो चीजें हैं यानी नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय, वो साक्षात्कार में रुक गया, ऐसा यहाँ पे हमें बताया है। और धर्म और सत्य दोनों जो है वो बुद्धि में पहुंचा, और जो सत्य है वो मात्र जो सत्य है वही अनुभव तक हमें मीन्स अनुभव में आता है। और अनुभव होने के बाद जो जो भी चीजें हमें बोध के रूप में या साक्षात्कार में जो 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 भी वस्तुओं का या वास्तविकताओं का जो हमें अनु वास्तविकताओं की हमें जो पहचान हुई है वहां पे क्या होगा, तो उसको भी आगे बताया है कि पुनः जब हमारा अनुभव संपन्न हो गया तो बुद्धि में जो शेष था स्वभाव और धर्म वो जुड़ जाएगा, और सह अस्तित्व चिंतन के रूप में चित्त में पहुंचा। मीन्स आत्मा में जो है वो मात्र सत्य का जो अनुभव होगा वो सह अस्तित्व का ही होगा, ये भी हमें सूचना के रूप में हमारे पास है ही। तो वही सह अस्तित्व का जो अनुभव है वो बोध साक्षात्कार और अनुभव में हमें किस तरह से समझ में आएगा, या जो जो चीजें हमें वहां पे क्लियर हुई थी और उसमें और क्या क्लियर होगा अनुभव मूलक पद्धति से, वो भी यहाँ पे क्लियर करवाया है कि बुद्धि में जो शेष था स्वभाव और धर्म वो जुड़ जाएगा। सह अस्तित्व चिंतन के रूप में चित्त में पहुंचा तो नियम नियंत्रण संतुलन और नियम नियंत्रण संतुलन न्याय जुड़ जाएगा धर्म सत्य के साथ। तो ये छह चीज जो है वो वहां पे चित्त में जो है वो पूरा होगा, और उसी को पहचानने समझने के लिए एक पूरा एक उदाहरण दिया है कि कृत्रिमता को जब तक हम पकड़ के चलते हैं तो उससे वो जो तृप्ति का जो हमें अनुभव होना चाहिए वो होता ही नहीं है। तो उसकी जड़ तक मीन्स पहुंचे बिना या उसकी वास्तविकता को पहचाने बिना हम तृप्त नहीं हो पाएंगे, ये ध्यानाकर्षण बाबा जी ने यहाँ पे करवाया है। और कोई भी कुछ और ज्यादा स्पष्टता से रखना चाहिए? कल्पनाशीलता का सबके पास अधिकार है,
कर्म स्वतंत्रता का सबके पास अधिकार है। इसका प्रयोग से हम साक्षात्कार बोध अनुभव पूर्वक प्रमाणित होते हैं। मूल मुद्दा इतना ही है। अभी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग विधि उससे इन बातों को प्रमाणित करने की विधि चारों अवस्थाओं में जो रूप गुण स्वभाव धर्म है उसको प्रमाणित करने की विधि व्याख्या करने की आवश्यकता है। सूचना देने की आवश्यकता है। सूचना किताब से होता है, मनुष्य के समझने से समझाने से समझ में आता है, समझ में आने के बाद साक्षात्कार होता है। इतनी ही बात। तो रखेंगे कोई इसको? दीदी आप ही रख लीजिए। जी दीदी, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया है कि हमारे पास जो दो सबसे बड़ी ताकत यानी जो ज्ञानावस्था में है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, तो सबके पास ये अधिकार है ही, कल्पनाशीलता का और कर्म स्वतंत्रता का भी अधिकार पूरी ज्ञानावस्था की जितनी भी इकाइयां हैं उनके पास है ही। तो इनका प्रयोग इसके प्रयोग से हम साक्षात्कार बोध और अनुभव पूर्वक प्रमाणित होते हैं। तो इस कल्पनाशीलता को हम किस दिशा में यूज करते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार दर्शन पढ़ते समय ये भी एक बात बाबा जी ने लिखी थी कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वश ही मानव के पास जितना उन्नत अवकाश है उतना ही अवनत अवकाश भी है। तो इस कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग हम किस और कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे मुझे समझ में आया कि ध्यान आकर्षण यहाँ पे करवाया जा रहा है कि इन बातों को प्रमाणित करने के लिए, यानी कि चारों अवस्थाओं के जो रूप गुण स्वभाव धर्म है उसको समझ के हम जिस जहाँ साक्षात्कार की जो बात कर रहे हैं, तो वो किसी से हमें सूचना मिलेगी, किताब से हमें सूचना मिलेगी और मनुष्य जो है वो समझा, कोई मनुष्य है वो समझाएगा हमें, और समझ में आने के बाद साक्षात्कार होता है। तो अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को हमें किस दिशा में लगाना है, ये जो अधिकार है वो हमारे ही पास है, ये मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान आकर्षण करवाया गया है भाई। ठीक बात। आगे पढ़ें भैया, क्या आप कुछ रखेंगे? आओ जी। नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है। इसलिए हम यहाँ सब बैठे हैं और समझने के लिए। ठीक है साहब। साक्षात्कार में यदि स्वभाव और धर्म दोनों दिखा तो बोध में उससे अतिरिक्त क्या दिखा या उससे कम हो गया? उत्तर, साक्षात्कार में रूप गुण स्वभाव धर्म संयुक्त रूप में दिखा। रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है, वही साक्षात्कार होता है सर्वप्रथम। उसके बाद चित्त में रूप और गुण दोनों रह जाते हैं चित्रणीय। चारों अवस्था में रूप और गुण की व्याख्या एक ही है, आकार आयतन घन के रूप में और सम विषम मध्यस्थ के रूप में। गुण गुण जो है ना मनुष्य का जो ऊर्जा होता है, सॉरी, गुण जो है ना मनुष्य का जो ऊर्जा होता है कार्य ऊर्जा के रूप में समझ में आता है। साम्य ऊर्जा को घटता नहीं है, साम्य ऊर्जा तो घटता नहीं है न बढ़ता है, कार्य ऊर्जा बढ़ता घटता है। कार्य ऊर्जा को किसी वस्तु को रचना देने में समझाने में लगाते हैं वो सम कहलाया है, और किसको भ्रमित करने में या विनाश करने में लगते हैं वो विषम कहलाता है। अभी हम कितना कर रहे हैं आप ही सोचो। भ्रमित करने में जब लगाते हैं अपना शक्तियों को, विनाश करने में जब लगाते हैं, इसका नाम है अपराध।
इसमें छानने में कितना बचता है, सोच लो। यह इसी प्रकार छनता है। यहाँ चित्त में यह दोनों रूप गुण रह जाते हैं, उसके बाद बोध में चले जाते हैं, स्वभाव और धर्म। जा करके वह स्वभाव बुद्धि में ड्रॉप यानी रूप हो जाता है, और उसके बाद धर्म जाता है आत्मा के पास और अनुभव में आता है। उसी आधार पर धर्म को अपन बताए ही है, चारों अवस्था का धर्म को हमने कैसे कैसा अनुभव किया उसको हम देखा है। तो मैं ये भी पैराग्राफ पढ़ देती हूँ, फिर एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी इसके पूर्व के ग्रंथों में क्या कहीं लिखा ही है, किसी ने इसको छुआ भी है। पदार्थ धर्म क्या है, प्राण धर्म क्या है, जीव धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, कहीं लिखा भी नहीं। कहीं लिखा भी है, कहीं लिखा हुआ अपने आपने पढ़ा भी है, क्योंकि अनुभव में आया नहीं है इसलिए नहीं हुआ। अनुभव में आने का जिज्ञासा ही नहीं है, वो तो ज्ञान ही नहीं होता तो क्या अनुभव होगा। वही तो इस अनुसंधान का ड्रास्टिक इफेक्ट यानी तीक्ष्ण प्रभाव है। इसलिए आप लोगों को यानी नर्वस बेचैन होना पड़ता है कि इतने से इतना कैसे कहा जाए, कैसे कहा जाएगा, अनुभव के आधार पर कहा जाएगा और कौन सा आधार होता है। अनुभव के आधार पर कर कहा जाए, अनुभव करो और बताओ। यह सब आईआईटी दिल्ली में हो चुके हैं कर्मकांड। आईआईटी में कोई ज्ञान नहीं है, इसको हम अच्छे से देख कर आ चुका हूँ। यंत्र को छोड़कर, गणित को छोड़कर वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। क्या किया जाए, जबकि यंत्र और गणित दोनों को मानव ही बनाता है। फिर आधार आदमी होगा या यंत्र, इसे तय करना पड़ेगा। तो कोई इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें बताया कि साक्षात्कार में जो रूप गुण स्वभाव धर्म चारों का संयुक्त रूप साक्षात्कार में आता है, और जो रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है इसका भी साक्षात्कार होता है, और उसके बाद जो चित्त में रूप और गुण है वो दोनों चित्त में चित्रण में रह जाते हैं, और वो जो गुण की व्याख्या एक ही है, मतलब चारों अवस्थाओं में गुण की व्याख्या एक ही है, आकार आयतन धन, और रूप की भी रूप और गुण दोनों की व्याख्या एक ही है चारों अवस्था में। स्वभाव धर्म अलग अलग है। इसमें एक बताया कि जो गुण है, गुण जो है ना मनुष्य का जो ऊर्जा होता है कार्य ऊर्जा के रूप में समझ में आता है, मतलब रूप और गुण है वो कार्य ऊर्जा के रूप में समझ में आता है, वो बढ़ता है और घटता है। साम्य ऊर्जा तो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। जो स्वभाव धर्म है मतलब वो जो साम्य ऊर्जा है वो बढ़ता नहीं है घटता नहीं है, कार्य ऊर्जा बढ़ता है और घटता है, और रूप और गुण है वो कार्य ऊर्जा के रूप में है। कार्य ऊर्जा को किसी वस्तु को रचना में, मतलब कार्य ऊर्जा है तो उसका जो इस्तेमाल है रचना बनाने में, मतलब जो सूर्य है उससे जो रचना बनती है तो ये कार्य ऊर्जा का ही स्वरूप है, तो रचना में या समझाने में लगाते हैं। जो मनुष्य में जो रूप और गुण है वो समझाने में लगाते तो उसको सम कहलाया, और किसको भ्रमित करने में, मतलब भ्रमित करने में या विनाश करने में रूप और गुण को लगाया तो वो विषम कहलाया। मतलब कार्य ऊर्जा है तो वो बढ़ती है या घटती है, सम या विषम रहता है, उसमें मध्यस्थ नहीं है। अभी हम कितना कर रहे हैं आप ही सोचो, भ्रमित करने में जब लगाते हैं अपना शक्तियाँ या फिर विनाश करने में लगाते हैं, इसका नाम है अपराध। मतलब भ्रमित करने में या विनाश करने में हमारा जो ऊर्जा लगाते हैं, कार्य ऊर्जा लगाते हैं, उसको अपराध बोलते हैं। इसमें छानने में कितना बचा है सोच लो, मतलब हम सोच सकते हैं हम क्या रूप गुण स्वभाव धर्म से कितना कार्य ऊर्जा या स्वभाव धर्म का इस्तेमाल करते,
ये इसी प्रकार छन्ना है या चित्त में यह दोनों रूप और गुण रह जाते हैं। मतलब रूप और गुण परिवर्तनशील है और वो परिवर्तन मतलब वो चित्रण तक रह जाता है, जो निरंतर है वो चित्त में साक्षात्कार में होता है। मतलब उसके बाद बोध में चले जाते हैं, स्वभाव और धर्म बोध में चले जाते हैं, जा करके वह स्वभाव बुद्धि में ड्रॉप हो जाता है। स्वभाव और धर्म स्वभाव बुद्धि में ड्रॉप हो जाता है मतलब, और उसमें उसके बाद धर्म जाता है आत्मा में। इधर एक सवाल होता है कि ये स्वभाव और धर्म दोनों बुद्धि में जाते हैं और बुद्धि में और आत्मा में केवल धर्म जाते हैं, और उसके बाद धर्म जाता है आत्मा के पास और अनुभव में आता है। धर्म अनुभव में आता है, स्वभाव बुद्धि में बोध में आता है। उसी आधार पर धर्म को अपन बताए हैं। चारों अवस्था का धर्म को हमने कैसा अनुभव किया उसको हम देखा है। तो ये स्पष्ट दिया है कि भाई रूप गुण स्वभाव धर्म में रूप गुण स्वभाव धर्म चारों का साक्षात्कार होता है और उसमें वो अविभाज्य उसका साक्षात्कार होता है। बाद में रूप गुण चित्रण तक रह जाता है और स्वभाव धर्म जाता है साक्षात्कार में या फिर वो बोध में बुद्धि में रहता है, स्वभाव रहता है आत्मा में, स्वभाव जो धर्म है अनुभव में आता है। अभी इसके पूर्व के ग्रंथों में क्या कहीं लिखा भी है किसी के उसको छुआ, मतलब अभी तक ये पदार्थ धर्म किया है, प्राण धर्म किया है, जीव धर्म किया है, अभी तक कहीं पे लिखा है कोई भी ग्रंथों में लिखा है वैसा बाबा जी पूछ रहे। ऐसा अभी तक कहीं पे देखा है आपने, अभी लिखा है ऐसा मानव धर्म किया है, कहीं लिखा भी है, कहीं लिखा हुआ आपने पढ़ा भी है, वो पूछ रहे। तो ये क्योंकि अनुभव में आया नहीं है इसलिए नहीं हुआ। तो ये सब ये धर्म है अनुभव में आएगा, तो ये अनुभव में आया तो उसका आधार किया तो हम बता पाएंगे। ये सब इतना बड़ा अनुभव में आने का जिज्ञासा ही नहीं है तो वो तो ज्ञान ही नहीं होता। जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, अनुभव के लिए जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान अनुभव नहीं होगा। वही तो इस अनुसंधान का ड्रास्टिक इफेक्ट मतलब तीक्ष्ण प्रभाव है, इसलिए जो नर्वस होना पड़ता है। मतलब ये इतना कैसे कहा जाए, मतलब इतना बड़ी चीज है अभी तक जो नहीं बताया, अभी तक कहीं पे दिखा नहीं, अभी तक किसी ने एक धर्म किया है, पदार्थ का धर्म किया है, प्राण का धर्म किया है, जीव धर्म किया है, ये अभी तक नहीं आए तो हम कैसे ये बता पाएंगे। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि वो अनुभव के आधार पर बता पाएंगे, अनुभव के आधार पर हम, वो आधार एक ही, अनुभव ही एक आधार है, तो अनुभव के आधार पर हम कह पाएंगे। अनुभव कियो करो और बताओ, ये बाबा जी बोल रहे हैं। और बाद में बोल रहे हैं कि IIT है तो IIT में तो यंत्र प्रमाण और गणित दोनों को प्रमाण मानते हैं, उसमें कुछ ज्ञान नहीं है। तो यंत्र और गणित है वो तो मानव ही यंत्र को बनाता है, मानव उन्हें बनाया हुआ ही है, यंत्र इसे तय करना मतलब इसमें मानव ने ही यंत्र बनाया है। तो ये यंत्र और गणित प्रमाण नहीं है, मानव ही प्रमाण है, आदमी ही प्रमाण है, ऐसा बताया जी भैया। इतना इसमें कुछ भैया मेरा थोड़ा समझ में ऐसा आया, तो हम वहां रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं दूसरी जिज्ञासा भी पढ़ लेती हूँ। जिज्ञासा, साक्षात्कार और बोध में क्या होता है? उत्तर, अध्ययन, बोध और अनुभव, उसके बाद प्रामाणिकता की हालत आती है। अध्ययन की आरंभिक स्थिति है शब्द, उसके बाद है शब्द से इंगित वस्तु, इंगित वस्तु स्मरण में चलकर हमारे साक्षात्कार में उदय होना। दूसरी स्थिति, जो साक्षात्कार हुआ वह पूरा स्वीकृत हो जाना। सदा सदा के लिए जीवन, इसी का नाम है संस्कार या वस्तु बोध, यही अवधारणा कहलाया। वस्तु बोध होने के पश्चात होता है अनुभव, बोध होने और प्रमाणित होने के बीच तृप्ति बिंदु का नाम है अनुभव। हम किसी वस्तु को समझने जाते हैं तो वस्तु को समझने पर
जब हम तृप्त होने लगते हैं तो वस्तु का स्वभाव धर्म प्रयोजन हमारी बुद्धि में निहित हो जाता है। यही समझ है। यह जब तक नहीं होता है तब तक हम समझे कहाँ हैं। शब्द की सीमा में समझ का प्रमाण होता नहीं है। शब्दों की सीमा में वार्तालाप हो सकता है, चर्चा हो सकती है, प्रमाण तो होता नहीं है। मानव में समझने पर तृप्ति है। वह तृप्ति बिंदु स्वयं में एक कंपन की स्थिति है जो एक खुशहाली है। बोध और प्रमाण के बीच कंपन की यह स्थिति आत्मा में होती है। एक बार जो वह तृप्ति बिंदु मिलता है तो फिर वह निरंतर अवतरित होने नहीं सॉरी एक बार जो वह तृप्ति बिंदु मिलता है तो फिर वह निरंतर आवंटित होने की के लिए बना रहता है। यही आकर्षण और प्रत्याकर्षण का तृप्ति बिंदु है। तो दीदी इसको रखेंगे आप थोड़ा सा। जी भैया भी आ गए हैं तो आगे की जो स्पष्टता है वो पहले पूरी करें। हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो यहाँ पे ध्यान आकर्षण करवाया गया है कि अध्ययन की जो आरंभिक स्थिति होगी उसमें हम शब्द और उसके बाद शब्द से इंगित वस्तु तक हम पहुंचेंगे। तो इंगित वस्तु स्मरण से चलकर हमारे साक्षात्कार में उदय होगा। और दूसरी स्थिति में ये बताया है कि साक्षात्कार हुआ वह पूरा स्वीकृत हो जाना सदा सदा के लिए जीवन में, यही अध्ययन और सॉरी अध्ययन से अनुभव तक की पूरी यात्रा बताई हुई है। इसी का नाम है संस्कार या वस्तुबोध और यही अवधारणा है। वस्तुबोध के पश्चात होता है अनुभव और बोध होने और प्रमाणित होने के बीच तृप्ति बिंदु का नाम है अनुभव। तो मुझे लगता है कि यहाँ ये जो सारे शब्द है उसमें मुझे भी क्लैरिटी नहीं है इतनी, तो भैया से ही पूछना पड़ेगा। क्योंकि एक जो हमारे पास सूचना है तो वो है कि अनुभव में ही वो पूरा जो वस्तु है उसका मीन्स बोध होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये अवधारणा में ही मीन्स वस्तु बोध होगा और वस्तु बोध के पश्चात होता है अनुभव। तो यहाँ पे तो मैं भी थोड़ी क्लियर नहीं हूँ, तो मुझे लगता है मंडे को ही भैया के साथ इसकी चर्चा करेंगे। या आप में से किसी और को अगर कुछ क्लियर हो, मनर सर या दिनेश भैया कोई, तो वो अगर रखना चाहे तो। योगेश